और अगला है बिहाइंड ऑलमोस्ट ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स फॉर पब्लिक ऑफिस स्टैंड्स ए स्टाफ ए टीम ऑफ वॉलंटियर्स कॉमा ए ग्रुप ऑफ फंड रेजर्स कॉमा एंड कॉमा ऑफ कोर्स कॉमा ए प्लेटफॉर्म दैट मस्ट हैव कन्विंस्ड वोटर टू कास्ट देयर बैलेट्स फॉर देम डी और ई पांच ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई हमारे पास पांच ऑप्शन हैं इज दैट क्लियर तो जब हमारे पास पांच ऑप्शन हैं ठीक है अब इसमें मसला यह है कि कंपाउंड सब्जेक्ट रिक्वायर्स प्लूरल सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की बात है तो यहाँ कंपाउंड सब्जेक्ट है यानी क्या है बिहाइंड ऑलमोस्ट ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर पब्लिक ऑफिस ठीक है और यहाँ पर स्टैंड आएगा स्टैंड ठीक है तो प्लूरल है ए स्टेट ए टीम ऑफ वॉलंटियर ए ग्रुप ऑफ फंड रेजर एंड ऑफ वगैरह वगैरह तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट है अगर ये कंपाउंड सब्जेक्ट है तो फिर एस नहीं आएगा क्योंकि वी शुड ट्राई टू कम्युनिकेट प्लूरल तो ए इज अवर आंसर तो चले अब हम आखिरी करते हैं आज हमने 30 क्वेश्चन किए हैं तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट दिया जाए ताकि जो इनका इम्तहान आ रहा है अभी नज़दीक पहले सबसे पहले तो बात है ई कैट और एम कैट के स्टूडेंट की